नमस्कार। डेड बॉडी को लेकर और उसके साथ की जो बाकी काफी भ्रांतियां हैं, अगर किसी मनुष्य की COVID-19 की वजह से मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर में जो वायरस है वो 72 घंटे तक रह सकता है, परंतु अगर मृतक मृत्यु का जो जो मृतक का शरीर है अगर उसको लीक प्रूफ बैग में डाला गया है, जो कि कोविड वार्ड से बाहर निकालते हुए उसको लीक प्रूफ बैग में डाला जाता है, तो और उसके फ्लूड से या उससे संभावना बाहर आने की नहीं होती है, तो जब तक वो फ्लूड या कोई सिक्रीशन आदमी को टच नहीं करेगा तब तक उससे कोई संक्रमण की संभावना नहीं हो सकती है। ICMR की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करवाया जाना आवश्यक नहीं है। कुछ कुछ कंडीशंस में पोस्टमार्टम करते हैं बट वो भी काफ़ी सुपरफिशियल होता है, क्योंकि पोस्टमार्टम करते हुए हम जो बॉडी कैविटीज़ को खोलेंगे तो वहाँ से एरोसोल को बाहर आना पॉसिबल हो सकता है। डेड बॉडी सांस नहीं ले सकती है तो वहाँ से एरोसोल बाहर आएगा नहीं, और बाकी आपने उसके शरीर के जितने भी फ्लूड्स थे और सिक्रीशंस थी उसको बंद करने के लिए आपने लीक प्रूफ बैग को यूज़ किया है, तो इससे उसके संभावना नहीं है। जब आप इसमें ICMR की गाइडलाइंस जो हैं उनके दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंगली अगर आदमी को अंतिम दर्शन करवाने हो तो जिप को, जो मुंह की तरफ का जिप का थोड़ा सा पार्ट खोल के उसको दिखाया जा सकता है, उसका प्रावधान वहां पे किया गया है। शमशान घाट में एक बारी जब मुखाग्नि दे दी गई तो उसमें जो जो शमशान की अग्नि है उसका टेम्परेचर 6,000 से लेके 8,000 डिग्री तक होता है, और वायरस जो है वो 70 से 75 डिग्री सेल्सियस में भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए डेड बॉडी का शमशान घाट में जलाते हुए उससे जो संक्रमण हो सकता है वो असंभव है। और उसके बाद और उससे पहले दोनों में आपका हाथ धोना, मास्क लगाना और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो आप रखिए, तो इससे कोई संक्रमण की संभावना नहीं है। थैंक यू।